Hello guys, welcome back to our channel Osteodose. I am Dr. Nikita. My name is Dr. Gurpreet. और आज हम बात करेंगे on the most frequently asked question, what is osteopathy? Osteopathy होता क्या है? But before we start this video, please hit the like button and do subscribe to our channel. So let's begin. So today we are going to talk about the story of A.T. Still. तो आप सोच रहे होंगे कि हम A.T. Still के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? A.T. Still कौन है? Why he is so important कि आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं? इन्हीं questions का answer देने के लिए let us start with the story. A.T. Still का पूरा नाम Endurelus Still था. उनका जन्म 6 अगस्त 1828 वर्जीनिया में हुआ था, जो कि अब USA में है. A.T. Still एक फिजिशियन थे, MD थे, सिविल वॉर सर्जन थे, स्टेट लेजिस्लेटर थे, इन्वेंटर थे. इतना सब होने के बावजूद, इतनी मेडिकल के पढ़ाई होने के बावजूद एंड इवन डॉक्टर्स की मदद के बावजूद उनके 3 बच्चों की मृत्यु स्पाइनल मेनिंजाइटिस से हो गई थी. ड्यू टू हिज लॉस ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ सिविल वॉर सर्जन लेड A.T. Still टू रिजेक्ट मोस्ट ऑफ वॉट ही हैज लर्नड अबाउट मेडिकल साइंस. एंड A.T. Still एक ऐसी खोज में जुड़ गए, एक ऐसे सिस्टम की खोज में जिसकी मदद से लोगों की हेल्प हो सकती और हार्म कम हो सकता. A.T. Still ने अपने जीवन के अगले 30 साल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की गहरा अध्ययन किया. उनका ये मानना था कि डॉक्टर्स की अप्रोच हेल्थ फाइंड आउट करने में होनी चाहिए, ना कि डिसीज़ तो कोई भी फाइंड आउट कर लेगा. उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये पाया कि अगर हम बॉडी को उसकी नेचुरल रिदम में ले आए, अगर हम डिस्प्लेस स्ट्रक्चर को उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर पे ले आए, तो बॉडी में जो हेल्थ इनहेरेंट है वो अपने आप को शो करेगी और डिजीज़ का खात्मा हो जाएगा. इन्हीं विचारों को लेकर उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट किया और इन्हीं 4 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एक सिस्टम को जन्म दिया और उसका नाम ऑस्टियोपैथी पहली बार 1885 में रखा. इसी सिस्टम को यूज करते हुए उन्होंने काफी होपलेस केसेस को ट्रीट किया और आगे चल के पहला ऑस्टियोपैथी का स्कूल कर्क्सविल में इन 1892 बना, जिसको उन्होंने नाम दिया अमेरिकन स्कूल ऑफ ऑस्टियोपैथी. विद इन फ्यू इयर्स ऑस्टियोपैथी अमेरिका से बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड होने लगा, जैसे स्पेन, फ्रांस, कनाडा, अर्जेंटीना. और ये कोर्स को एक रिकॉग्निशन भी मिल गया, DO, डॉक्टर इन ऑस्टियोपैथी. इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में इसको MBBS के साथ भी कोलैबोरेट किया गया. जहाँ पे भी ये कोर्स कोलैबोरेटेड है वहाँ पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में एज अ एलोपैथी प्रैक्टिशनर भी काम करते हैं एंड एज अ ऑस्टियोपैथ भी काम करते हैं. ऑस्टियोपैथी एक न्यू मेडिकल साइंस है जो रिसेंटली इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ है. ऑस्टियोपैथी एक मैनुअल थेरेपी है जिसमें हम पेशेंट को बहुत होलिस्टिकली अप्रोच करते हैं. ये एक ड्रग फ्री ट्रीटमेंट है जिसमें हम कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते. हम हेड टू टो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, डायग्नोस करते हैं और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देते हैं. और ये पूरा एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट हाथों से ही होता है. ऑस्टियोपैथी सिर्फ एक मेडिकल साइंस ही नहीं है, ये एक आर्ट भी है, आर्ट ऑफ पाल्पेशन और आर्ट ऑफ परसेप्शन. हमारे कोर्स में हमें स्पेशली ट्रेन किया जाता है टू इम्प्रूव आवर पाल्पेटरी स्किल्स एंड हैंड परसेप्शन, क्योंकि हम एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस दोनों ही हाथों से करते हैं. और हम प्रैक्टिस भी पहले नॉर्मल लोगों पे करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट पे या कोई डिजीज पर्सन पे प्रैक्टिस करते हैं. इसीलिए हमें डिफरेंस इजीली पता चलता है कि एक नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग बॉडी कैसे फील होती है और एक डिजीज बॉडी कैसे फील होती है. हमारे बॉडी के 3 मेजर सिस्टम होते हैं. पहला सिस्टम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, फेशिया, ये सब आता है. दूसरा है विसरल सिस्टम, जिसमें बॉडी के सारे ऑर्गन्स आते हैं. और तीसरा है क्रेनोसेक्रल सिस्टम, जिसमें क्रेनियल बोन्स, उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. अगर इन 3 में से कोई एक भी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये बाकी 2 सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है. इसीलिए जब हम एग्जामिन करते हैं हम ये 3 सिस्टम को कंसिडर करते हैं कि हमारी जो जॉइंट की अलाइनमेंट है वो ठीक है या नहीं. हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका अपना एक रिदम होता है, अपनी एक मूवमेंट होती है,
वो मूवमेंट ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। हमारी जो क्रेनियल बोन्स है उनकी भी अपनी एक रिदम होती है, अपना एक मूवमेंट होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि आफ्टर सर्टन एज ये क्रेनियल बोन्स फिक्स हो जाते हैं और इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। बट ऑस्टियोपैथी के फिलॉसफी में ऐसा मैंशनड है कि क्रेनियल बोन्स जब तक हम जिंदा है तब तक उनमें मूवमेंट रहती है, और अगर ये मूवमेंट अगर अफेक्ट हो जाए या इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए तो इसका पूरा इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे हो सकता है। Isn't it amazing? You know, this was one of the reason why I chose osteopathy as my career. Because this philosophy, it really amazed me. It really fascinated me. I think it was the best decision I ever made. Abroad में osteopathy के बहुत सारे schools हैं. But India में osteopathy का first full-time master's program was established in 2015 in Sri Sri University, Odisha. This university is also the first university to start bachelor's in osteopathy, which is a 4 years degree program. You can Google it for more information. I'll also put the link of the website in the description box in case you want to go through it. So this is what is osteopathy. If you like this video, please hit the like button and also do subscribe to our channel. We'll be coming with more interesting videos. Until then, stay tuned.